नमस्कार दोस्तों, क्या एक लड़की ने माँ बाप का सपना पूरा किया? आज की कहानी माँ बाप का सपना। कहानी सुनते हैं दोस्तों। सारे मेहमान माँ और पिताजी की 13वीं के पश्चात रवाना हो चुके थे। घर में अनचाहा और मन में दहशत पैदा करने वाला सन्नाटा छाया हुआ था। उन दोनों की फोटो पर लगी हुई फूलों की माला धीरे धीरे मुरझा रही थी। मैं भावुक होकर लगातार अपनी आंखों से इनकी फोटो देख रही थी, मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े होकर संवाद कर रहे थे कि बेटा, भूखा रहकर हर परिस्थिति, तंगी, विपत्ति के समक्ष ईमान और नेकी के लिए मैंने कभी समझौता नहीं किया। तुम भी उस बाप की बेटी हो, सब कुछ हार जाना पर सच्चाई को नहीं छोड़ना। मेरे तीव्र चिंतन के वेग ने मुझे 22 साल पीछे धकेल दिया। मेरे जीवन की कहानी उस समय से शुरू हुई जिस क्षण मैं माँ की कोख में आई। दादी हमेशा मुझे एक सुंदर पोते के ख्वाब में देखती, पर मेरे जन्म के साथ उनके सपनों का महल ढह गया। मेरे काले कलूटे और बेढंग चेहरे को देखकर गोद में लेना तो दूर, उस दिन घर में खाना भी नहीं बनाया गया। लेकिन मेरे माँ पिताजी ने मुझे कलेजे का टुकड़ा मानकर मुझे सहलाया। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए माँ आसपास के घरों में काम करती और पिताजी ने छोटी सी पान की दुकान खोल रखी थी। दीपावली के पर्व पर माँ और पिताजी अपनी शादी वाले जोड़े को पहनकर खुशी व्यक्त करते। माँ ने कभी भी मेरी कुरूपता के प्रति दुख नहीं प्रकट किया, अपितु मुझे ये देखकर कहती, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम रोशन करेगा जग में मेरा राज दुलारा। इनके सब के बावजूद शारीरिक कुरूपता एक सच्चाई थी, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन दोनों की गोद में बैठना, परियों की कहानी सुनना, उनके संग आंख मिचोली खेलना, ये सब मेरी छोटी सी दुनिया थी। समय की गति ने कब मासूम बचपन से लेकर मुझे समझदार लड़की बना दिया। उसका एहसास उस समय हुआ जब मैं छोटी से सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। सुबह तो पिताजी जाते अपनी दुकान पर पुरानी साइकिल से मुझे स्कूल छोड़ देते, पर वापसी लौटते समय सर्द, गर्म, आंधी, बरसात आदि में मैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर आती। घर पहुंचकर दरवाजे पे खड़ी माँ मुझे गोद में उठाती। उस समय तीनों लोक की संपूर्ण संपदा मेरे समक्ष होती। मेरा मानना है कि सौंदर्य का अपना एक स्थान होता है, पर वह भी सब कुछ नहीं है। प्रकृति जब एक दरवाजा बंद करती है, उसके बदले अन्य दरवाजे खोल देती है। अच्छे स्कूल और परिशिक्षित अध्यापक का होना भी जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा स्वयं का मेहनती, उमंग, उत्साह और दूसरों के प्रोत्साहन की अपेक्षा है। मैं सभी कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान बनाती हुई 10वीं में 99% अंक प्राप्त करके टॉपर रही। उस समय प्रथम बार प्रिंसिपल ने मुझे बेटा कहकर गले लगाया। उस समय महसूस हुआ कि शारीरिक कुरूपता को भी नगण्य किया जा सकता है। 12वीं परीक्षा बोर्ड परिणाम चौंकाने वाला था। सभी विषय में 100% अंक लेकर न केवल सामान्य से स्कूल का नाम रोशन किया, अपितु गरीबी में भी बुद्धि के परचम को लहराते हुए वाली कहावत को मुखरित किया। यह तो मेरी यात्रा की शुरुआत थी। सफ़र बहुत लंबा था। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तेरे नाम से मेरी पहचान होगी। माँ कहती, मेरे अरमानों को तभी मुकाम मिलेगा जब IAS ऑफिसर बनकर माँ कहलाऊंगी। आगे पढ़ाई के लिए केवल स्कॉलरशिप से काम नहीं होने वाला था, इसलिए पिताजी मुझे साथ लेकर चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थानों में सहायता के लिए गए। उस समय मेरी कुरूपता बाधक बन रही थी। कहीं ताने, कहीं उपहास, कहीं मीठे आश्वासन और कहीं नगद सहायता मिली। पिताजी का फलोदी सीना कब हार मानने वाला था? जैसे तैसे IAS के लिए एक विख्यात इंस्टीट्यूट में दाखिला प्राप्त कर लिया।
कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई का क्रम चल रहा था। इसी बीच एक घटना यूं घटित हुई कि मैं खाली क्लास में अकेले ही अपनी मस्ती में गीत गा रही थी। उस समय पास में से गुजरते प्रिंसिपल ने मेरा गीत सुना। इतना मीठा कौन गा रहा है? अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मेरे पास आए और चुपचाप सुनते गए। मैं अपने में इतनी भाव विभोर थी, उनकी उपस्थिति का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मेरे नाम को जानना चाहा। दोनों आंखों से स्नेह को टपकते हुए कहा, बेटी तुम हमारे संस्थान की गौरव हो, अब तुम्हारा क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। मेरे दोस्त को अपनी नई फिल्म के लिए एक नई गायिका चाहिए। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ कि तुम एक बार उनसे मिले। शाम के समय मैंने अपने माता पिताजी के समक्ष घटना का जिक्र किया। वे भी यही चाहते थे कि मेरा कृष्णमयी व्यक्तित्व सबके सामने आए। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके मुंबई आए, पर किसी मजबूत आलंबन के बिना अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत कर प्रिंसिपल को फोन करके अंदर जाने तक मार्ग सुगम करने का अनुरोध किया। प्रिंसिपल के फोन से फिल्म निर्माता ने बिना रोक टोक के अंदर बुला लिया। यहाँ पर भी मेरी कुरूपता बाधक बनती रही थी, पर मेरे गाने ने उनको इतना मोह लिया कि मैं एक बार फिर चुन ली गई। मेरी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरी तलाश सार्थक हुई। फिल्म के रिलीज होते ही वह गाना हिट होकर सबकी जुबान पे चढ़ गया। संगीत की दुनिया में प्रवेश करना मेरी मजबूरी थी, पर मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरी मंजिल तो पिताजी के सपनों के अनुरूप आईएएस बनना था। घर आकर मैंने अपना ध्यान अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाया। पूरे विश्वास और माँ बाप के आशीर्वाद से एक लिखित पेपर एवं इंटरव्यू दिया। आज परिणाम घोषित होने वाला था। पिताजी सुबह से रिजल्ट जानने के लिए आतुर थे। दिन के 11 बजे फिल्मकार अंकल का फोन आया। बधाई देते हुए कहा, बेटा इस साल की बेस्ट गायिका के रूप में पुरस्कार के लिए तुम्हारा चयन हुआ है। यह सुनकर मेरे मन में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह तो नियमिती द्वारा दिया गया उपहार था। मैं तो केवल निमित मात्र थी। कुछ समय बाद पुनः घंटी बजी। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बधाई देते हुए आईएएस में प्रथम प्रयास में टॉपर बनने की बात कही। यह सुनकर एक बार तो चौंक गई। अपने को आश्वासन करते हुए पिताजी को कहा, आज आपकी तपस्या साधना आराधना पूरी हो गई। आपकी संकल्प भावना ने मुझे उस स्थान पर पहुंचा दिया है जिसे आप देखना चाहते थे। बधाइयां देते हुए सारे लोग घर आ जा रहे थे। माँ ने सुझाव दिया कि पहले हमें मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ पिताजी वही शादी का जोड़ा पहनकर मंदिर गए। इस वेश में कुछ विशेष लग रहे थे, मानो उनको अपनी नई दुनिया में जाना है। हमने मंदिर का कुछ रास्ता ही तय किया था कि अचानक सामने से आने वाली अनियंत्रित गाड़ी ने कुचल दिया। मुझे छोटी मोटी ही चोट लगी थी, पर मैं बच गई। मेरे सामने दोनों के लहू लुहान शव थे। मैंने भगवान को कोसते हुए कहा, यदि तुझे आईएएस बनाने की इतनी महंगी फीस लेनी थी तो मुझे कभी नहीं बनना था। पर क्या मेरे पिताजी की तपस्या का यही फल था? माँ के अरमानों को यही कुचलना था? मेरे साथ यही घटित करना था? आखिरकार बड़ी हिम्मत से अपने आप को संतुलित किया। पिताजी के चरणों की धूली को सिर पर रखकर कसम खाई कि मैं आईएएस अधिकारी के बदले ईमानदार बाप की ईमानदार बेटी कहलाऊं। और उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता का ये सपना पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी एक बेटी की कहानी जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट में अपने सुझाव दें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।